रहमान रहीम। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। इससे पहले कि हम पार्शियल फ्रैक्शन डिस्कस करें, हम फ्रैक्शंस को डिस्कस करते हैं। पहले हम नंबर्स में देखते हैं। फ्रैक्शन असल में किसी भी होल का पार्ट होता है। यानी अगर आपके पास ये एक कंप्लीट ब्रेड है, देखें, तो ये होल हुआ। होल मीन वन। अगर मैं इसको फोर पार्ट में डिवाइड करूं, इक्वल पार्ट्स में, और इससे एक हिस्सा निकाल लूं, तो ये जो हिस्सा है, ये वाला जो मैं इससे निकाल लूंगा, ये इस पूरे का क्या है, ये इसका फोर्थ पार्ट है। देखिए, 1 2 3 4 है, तो ये इसका फोर्थ पार्ट है, तो इसको मैं लिखूंगा 1/4। अगर इसी ब्रेड को मैं 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं, तो फिर एक पार्ट जो होगा वो होल का, यानी 1 का थर्ड पार्ट होगा। इसको हम कहते हैं फ्रैक्शंस। और ये जो फ्रैक्शन है जिसमें ये वाली वैल्यू छोटी हो और ये बड़ी हो, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं इसमें से टू पार्ट्स ले लूं, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, तो असल में मैंने इससे कितने हिस्से लिए, टू पार्ट्स। और टोटल कितने हैं, टोटल 3 पार्ट्स। इन 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स मैंने इससे अलहदा कर दिए, सिर्फ ये एक पार्ट रह गया, ये वाला ये रह गया, और ये 2 मैंने इसको अपने पास रखा, तो ये इसका क्या है, 2/3 है। और ये कितना है, ये 1/3 है। अब अगर आप देखें इस 1/3 और इस 2/3 को अगर ऐड करें, तो एलसीएम हम ऐड करते हैं, इसका एलसीएम 3 आएगा, ऊपर आएगा 1 + 2 इज 3/3। देखें, फिर होल आ गया। जब मैंने ये 2 पार्ट और ये एक पार्ट ऐड कर दिया, तो पूरा फिर ये होल आ गया। तो इसको हम फ्रैक्शंस कहते हैं और इसको प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, ये छोटी होती है और डिनोमिनेटर बड़ा है। दूसरे हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस भी होते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है कि अगर मेरे पास ये 2 ब्रेड हैं, एक ये है और एक ये, मैं किसी को ये पूरा ब्रेड पूरा दे देता हूं, असल में मैंने इसको होल दिया, यानी 1 पूरा होल दिया, और इसको आधा किया और उसको आधा और दे दिया, यानी +1/2। तो उसको कितना हिस्सा मिला, एक ये पूरा होल मिला और एक आधा मिला। तो होल और आधा कितना होगा इसका, फिर हम देखें एलसीएम लेते हैं। 2 इसका एलसीएम होगा, ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1s are 2, और 1/2 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पे 1। ये फ्रैक्शन जिस तरह हम ऐड करते हैं, तो 2 + 1 से आता है 3/2। इसको हम देखें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये असल में एग्जैक्टली सही, इम्प्रॉपर का मतलब गैर मौजूं, यानी एग्जैक्टली ये फ्रैक्शन नहीं है। क्यों ये फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें तो एक होल भी शामिल है। तो इसको अगर आप देखें, तो इसमें ये जो ऊपर वाली वैल्यू जिसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, ये बड़ी होती है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपको इस तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हो, तो आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें से ये होल आपने निकालना होगा, तो किस तरह आप करेंगे, देखिए, आप इस 3 को 2 पे डिवाइड करें, तो क्या आएगा, 2 1s are 2, 3 - 2 1। जब आप इसको लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 1 होल, यानी ये जो रिमाइंडर होता है, इसको आप यहाँ पे लिखते हैं, जो हम बहुत से क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 1 होल 1, ये ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं 2। देखें, 1 होल 1/2 का मतलब है कि 1 इसमें पूरा है,
एक ब्रेड इसमें पूरी है और दूसरी आधी है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, वन होल वन बाय टू। आप इसको अलहदा करके भी लिख सकते हैं, यानी वन और प्लस वन बाय टू। इसको हम मिक्स नंबर कहते हैं, मिक्स नंबर। जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से होल को अलग कर देते हैं और फ्रैक्शन को, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन को अलग कर देते हैं, तो ये हमारे पास मिक्स नंबर होता है। ये तो थी बात जब हम नंबर्स यूज़ करते हैं। अब हमारे पास पॉलीनोमियल्स हैं या एक्सप्रेशन है, रेशनल एक्सप्रेशंस हैं। उसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। पहले फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जब आपके पास अलजेब्रा हो, पॉलीनोमियल हो, तो फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन को हम रेशनल फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ये जो एक्सप्रेशन होती है ये रेशनल भी हो सकती है। तो ये रेशनल आपके पास एक फ्रैक्शन क्या होगी, इसको आप इस तरह डिफाइन करेंगे। रेशनल फ्रैक्शन को आप एफ ऑफ एक्स से शो करेंगे, जो किसके इक्वल होगा, पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स। रेशनल फ्रैक्शन को इस तरह डिफाइन किया गया है कि यह असल में दो रेशनल एक्सप्रेशंस का डिवीजन है। इसको हम क्या कहेंगे, रेशनल फ्रैक्शन। किस तरीके से, अगर आपके पास पी ऑफ एक्स कोई पॉलीनोमियल है या कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्स प्लस वन, ये आपके पास एक पॉलीनोमियल है। दूसरा आपके पास दूसरा पॉलीनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रेशनल फ्रैक्शन है, जिसमें ये पी ऑफ एक्स क्या है, पी ऑफ एक्स एक्स प्लस वन है और क्यू ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन है। इसको हम रेशनल फ्रैक्शन कहते हैं। और इसमें आपको यहाँ पे एक शर्त भी दी है कि क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है कि ये जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है ये ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि किसी भी वैल्यू को ज़ीरो पे डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो आपको ये एक कंडीशन गिवन है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रेशनल फ्रैक्शन है, जिसमें ऊपर भी एक रेशनल फ्रैक्शन है, नीचे भी नेचुरल फ्रैक्शन है। इसको हम पॉलीनोमियल भी कहते हैं, ऊपर भी पॉलीनोमियल है, नीचे भी पॉलीनोमियल है। तो ये क्या होगा, ये रेशनल फ्रैक्शन है। अब इसके भी टू टाइप है। अगर ऊपर x का पावर देखें, x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर 2 है, यानी ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर बड़ी है, तो ये क्या होगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहें। एक और मिसाल ले लें, जिस तरीके से एक और x5 प्लस 3x 4 प्लस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x6 प्लस 1, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे सबसे जो बड़ी पावर है वो 5 है, यानी इसकी डिग्री 5 है और इसकी डिग्री 6 है, इसमें सबसे बड़ी पावर 6 है, तो ये वाली वैल्यू छोटी होगी, ये बड़ी होगी। आपने यहाँ पे बड़ी और छोटी का जो हिसाब लगाना है वो किससे लगाना है, वो आपने इस पावर से लगाना है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। और अगर इस तरह हो कि एक्स स्क्वायर माइनस वन ऊपर हो और एक्स प्लस वन नीचे हो, अब ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास टू है और नीचे वन है, ऊपर न्यूमरेटर में डिग्री टू है, नीचे डिनोमिनेटर में डिग्री वन है, तो ये भी फ्रैक्शन है, ये भी कुछ हिस्सा है, लेकिन ये क्या है, ये इम प्रॉपर फ्रैक्शन है। और एक्स का मतलब ये है यहाँ पे जो पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स का क्या है, तो पी और क्यू तो इसके नाम है, और इसमें एक्स इसलिए यहाँ पे यूज़ है, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो एक्स यूज़ हुआ है। अगर वेरिएबल वाई यूज़ होता है तो वाई हम जिसको हम फिर एफ ऑफ वाई भी कह सकते थे, जिस तरीके से एक्स प्लस वन
वाई स्क्वेयर प्लस वन एंड वाई क्यूब माइनस वन। आप इसको y से भी शो कर सकते, आप इसको z से भी शो कर सकते, z स्क्वेयर प्लस वन z क्यूब प्लस वन। तो आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये याद रखें कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, वन इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड द अदर इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर एंड द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज लेस। डिग्री किसे कहते हैं? पावर को, मैक्सिमम पावर। इस एक्सप्रेशन की जो सबसे बड़ी पावर होती है वो इसकी क्या है? डिग्री है। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस तरीके से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे? जिस तरह मैंने आपको नंबर में बताया कि वो 3/2 जो था उसको हमने 1 होल 1/2 लिखा, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें ऊपर पावर 2 है और नीचे पावर 1 है। तो हम इसे डिवाइड करेंगे, उस वक़्त तक डिवाइड करेंगे कि ये वाली वैल्यू इससे छोटी हो जाए। तो डिवीजन का यही तरीका है कि हम 2x² + 1 को इनसाइड लिखेंगे और x-1 को बाहर लिखेंगे। अब डिवाइड किस तरह करते हैं? इस 2x² को यहाँ पे लिखें और इस x को नीचे लिखें, एक x x के साथ कैंसिल, तो 2x रह जाएगा, यहाँ पे 2x लिखें। अब इस 2x को x-1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x² माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x² माइनस 2x को आप यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि ऊपर x नहीं है, तो आप इसको यहाँ पे लिख लें माइनस 2x, माइनस एंड प्लस ये कैंसिल। अब आप इसको लिखें 2x + 1। अब भी आप देखें यहाँ पे इसकी पावर क्या है? 1 है। यहाँ पे भी पावर 1 है। अब भी ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है बल्कि इम्प्रॉपर है। यानी मैंने आप एक बात बताना भूल गया, अगर सेम पावर हो इसका पावर भी 2 है, इसका पावर भी 2, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको भी हम प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं कह सकते। इसलिए हम यहाँ पे अगर इसका पावर x है, इसका पावर x है, हम इसको एक दफ़ा और डिवाइड करेंगे, 2x को x पे डिवाइड करें तो देखें x और x कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे प्लस 2, ये वाला 2 आप यहाँ पे लिख लें। अब x माइनस 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2x एंड 2 1s are 2, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे 2x - 2, माइनस एंड प्लस कैंसिल, प्लस 1 एंड प्लस 2 इससे आता है 3। अब हम इसे किस तरह लिखेंगे? 2x + 2 को यहाँ पे लिखते हैं, 2x + 2 ये होल में आ जाता है, ये ऊपर आता है 3x - 1। यानी इसको हमने लिखा, ये होल है 2x + 2 होल 3/(x-1)। यानी ये वाली वैल्यू इसमें, ये जो है ये इसमें होल निकल आया 2x + 2। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, प्लस 3/(x-1)। तो ये वाली वैल्यू देखिए, इसमें होल निकल आई और ये 3/(x-1) ये फ्रैक्शन है। देख अब ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे पावर x की 1 है और यहाँ पे x नहीं है, यानी यहाँ पे x पावर 0 है। तो इस तरीके से हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इस होल और इस प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन भी कहते हैं। अब 2-3 चीज़ें और हैं, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे फिर एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन? तो सिंपली डिफिनीशन इसकी है कि टू फाइंड पार्ट्स व्हेन वी नो द होल। जिस तरह आपकी बुक वाले ने भी लिखा है, टू फाइंड द पार्ट्स दैट मेक द सिंगल फ्रैक्शन।
इससे पहले आप लोगों ने क्लास 9 में भी इस तरह किया था कि अगर आपको 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 ये गिवन है, ये पार्ट्स है, आपने इसको क्या करना था, आपने इसको होल में कन्वर्ट करना था, यानी आप इसका एलसीएम लेते, क्या लेते, x प्लस 1 और x प्लस 2 आप इसका एलसीएम लेंगे, फिर x प्लस 1 और x प्लस 1 ये कैंसिल हो जाता है, x प्लस 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आता है x प्लस 2 माइनस ये x प्लस 2 और x प्लस 2 कैंसिल हो जाता है, x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये तरीके आपको आते हैं, x प्लस 2 माइनस x और माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और x प्लस 2, इससे आएगा x और माइनस x कैंसिल, प्लस 2 माइनस 1 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और x प्लस 2। आपको पार्ट्स गिवन है, आपने देखें एक फ्रैक्शन फाइंड किया, होल फाइंड किया, अब ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है ये इसका अपोजिट है, ये इसका रिवर्स है, आपको होल दिया जाएगा और आपने इस होल का पार्ट फाइंड करने हैं, आपने इस एक फ्रैक्शन को 2 या 3 फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसका इसकी डिफिनीशन ये है कि टू फाइंड द पार्ट्स व्हेन द होल इज गिवन। तो अब हमें क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है पार्ट्स को अगर होल गिवन है, तो इसकी डिफिनीशन हम इस तरह कह सकते हैं कि टू फाइंड द पार्ट्स विच मेक्स द होल, हमें इन पार्ट्स को फाइंड करना है अगर हमें ये होल गिवन है कि इसके वो हिस्से कौन से हैं जिससे ये आया है, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। आपकी बुक में इस फ्रैक्शंस के पार्शियल फ्रैक्शन के 4 केसेस हैं, यानी डिफरेंट 4 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, आपने उसको सॉल्व करना है। हम पहले 2 टाइप्स को इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे और बाकी 2 टाइप्स को अगली एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। अब केस 1 क्या है, केस 1 में हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है, ये देखें एक होल फ्रैक्शन गिवन है, आपने इसको उसके पार्ट्स में डिवाइड करना है, लेकिन ये केस ये है कि व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शंस, जब डिनोमिनेटर में, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, इसको न्यूमरेटर, इस डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शंस हैं वो एक तो नॉन रिपीटेड हो, नॉन रिपीटेड का मतलब है अगर एक दफ़ा x प्लस 1 आ गया है तो देखें दूसरी दफ़ा x प्लस 1 नहीं है, कोई दूसरा फैक्टर है, इसलिए इसके जो फैक्टर है ये क्या है, नॉन रिपीटेड है, रिपीट नहीं हुए, दोबारा नहीं आए, सिर्फ एक दफ़ा आए। दूसरा क्या है, लीनियर फैक्टर्स हैं, लीनियर का मतलब है जब x पावर 1 हो, जब x पावर 1 हो तो इसको हम लीनियर फैक्टर्स कहते हैं, जब पावर 2 हो तो फिर वो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे, जब पावर 3 होगा तो फिर वो क्यूबिक फैक्टर्स होंगे, तो क्योंकि इसमें पावर 1 है तो ये क्या है, ये हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं। तो पहला केस क्या है, पहला केस में नॉन रिपीटेड एंड लीनियर फैक्टर्स हैं, कहाँ पे, डिनोमिनेटर में, और आपने देखा होगा ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी ऊपर 1 है और नीचे x और x को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो x स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में x की वैल्यू ज़्यादा है, 2 है, और न्यूमरेटर में x की वैल्यू 0 है, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे x की वैल्यू 0 है। अब आप मेथड फॉलो करें कि हम किस तरह इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला स्टेप ये है कि आप इसको यहाँ पे लिखें 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और x प्लस 2, फिर लिखें इज इक्वल टू, इसको अलहदा लिख लें, x प्लस 1 को अलहदा लिख लें और x प्लस 2 को अलहदा लिख लें, ऊपर हमें पता नहीं है कि क्या आएगा, इसलिए हम यहाँ पे a लिख लेंगे और यहाँ पे b, असल में हमें इन a और b को फाइंड करना है कि a और b क्या होंगे जब ये होल जो है पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो इसमें हमारा पूरा जो मकसद होता है वो a और b सॉल्व करना होता है, तो यहाँ पे हम a लिख लेंगे और यहाँ पे b लिख लेंगे।
यहाँ पे पावर वन है तो ऊपर पावर ज़ीरो लिखेंगे, यहाँ पे एक्स नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे एक्स पावर ज़ीरो है। ए और बी क्या चीज़ है, ये कोई कांस्टेंट है, टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू, ये हम फाइंड करेंगे। तो पहला स्टेप तो ये है कि आपने ये क्वेश्चन लिखा, इसके डिनोमिनेटर में दो फैक्टर हैं अलग लिखें, बीच में प्लस लिखा, ऊपर एक के ए लिखा दूसरे के बी लिखा, अगर तीसरा होता तो उसकी सी लिख लेते। अब आपने इसका एलसीएम लेना, इसका एलसीएम जो भी डिनोमिनेटर में है वो इसका एलसीएम होता है, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू। इस साइड पे है एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू। अब एलसीएम लेने के बाद तरीका ये होता है कि आप इस पूरी वैल्यू को इस पूरे फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू यहाँ पे लिखते हैं, और आप देखेंगे कि एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाता है, क्या रह जाता है, एक्स प्लस टू। तो इसको हम आसानी के लिए इस तरह कर लेते हैं कि देखें यहाँ पे भी एक्स प्लस वन है और यहाँ पे भी एक्स प्लस वन है, तो इन दोनों ने कटना होता है, ये कैंसिल हो जाते हैं और एक्स प्लस टू रह जाता है। तो जो यहाँ पे है वो आपने नहीं लिखना, जो यहाँ पे नहीं है उसको आप इस ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यानी एक्स प्लस टू को ए के साथ आपने देखें मल्टीप्लाई किया, फिर आया प्लस, यहाँ पे एक्स प्लस टू है, यहाँ पे भी एक्स प्लस टू है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये आपने नहीं लिखने। इस एक्स प्लस वन को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन इंटू बी। अब इस दोनों साइड को एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई कर दें, या इस वाली वैल्यू को यहाँ पे ले आए तो ये कैंसिल हो जाएगा, या आप लिख लें कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू। तो इस साइड को भी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के लिए आप इनटू इस तरह डॉट भी लगा सकते हैं, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू। इस साइड पे भी करेंगे तो एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से, ए इनटू एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू। तो देखें एक्स प्लस वन के साथ कैंसिल, एक्स प्लस टू के साथ कैंसिल, यहाँ पे रह जाएगा वन, ये एक्स प्लस वन के साथ कैंसिल, एक्स प्लस टू के साथ कैंसिल, रह जाएगा ए एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस वन। आप इसको इक्वेशन वन कह दें और इसको इक्वेशन टू। अब क्या करेंगे, अब हमने ए और बी फाइंड करना, उसका क्या तरीका है, इस इक्वेशन टू में आपने दो वैल्यूज पुट करनी है, एक पहले ये वाली वैल्यू और फिर ये। आप इस तरह कहेंगे कि पुटिंग एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इस एक्स प्लस वन को जीरो के इक्वल लें, इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, जब वन इस साइड पे आएगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन। पुटिंग एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन टू। पहले आप एक्स प्लस वन को जीरो के इक्वल लें और फिर एक्स की वैल्यू फाइंड करें और वो इसमें पुट करें। तो अब आप एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस वन, वन इज इक्वल टू ए, एक्स की जगह आप माइनस वन पुट करेंगे, माइनस वन प्लस टू प्लस बी, यहाँ पे भी एक्स की जगह माइनस वन पुट करेंगे और प्लस वन ए, माइनस वन प्लस टू इसे आता है वन, माइनस वन प्लस टू कैंसिल, यानी बी और ये ज़ीरो, तो ए इज इक्वल टू ए वन दार ए वो ज़ीरो हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू वन। आपको ए की वैल्यू फाइंड हो गई कि ये वन है। अब आपने क्या करना है, अगेन पुट, अब आप इसको इक्वल लें, पुट एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो या एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, जब टू उस तरफ जाएगा,
इन इक्वेशन टू, वन ए एक्स की जगह माइनस टू प्लस टू, प्लस बी एक्स की जगह माइनस टू और साथ प्लस वन, वन इज इक्वल टू माइनस टू प्लस टू कैंसल ज़ीरो, प्लस बी माइनस टू प्लस वन माइनस वन, वन इज इक्वल टू ये ज़ीरो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस बी, बी इज इक्वल टू ये माइनस का मतलब होता है माइनस वन, इसको इस साइड पे ले आए तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस इस साइड पे हम ले आए तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी इज इक्वल टू माइनस वन। देखें आपको ए भी फाइंड हो गया और बी भी। अब हमने इस ए की वैल्यू को और बी की वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे कि पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन वन, तो वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ए की जगह वन, वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन क्योंकि ए की वैल्यू हमें फाइंड हो गई और बी हमारे पास है माइनस वन, तो माइनस वन, माइनस को आप बीच में भी लिख सकते हैं एक्स प्लस टू। तो देखें होल को हमने उसके पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और यही क्या है, यही पार्शियल फ्रैक्शन। एग्जांपल टू, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यह आपको एक पॉलीनोमियल गिवन है, इसको पहले फैक्टर्स में डिवाइड करना है क्योंकि हमने फैक्टर के ऊपर ए एंड बी लिखना होता है, तो आप इसको फैक्टराइज कर लें एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू, इसको हम मिड टर्म ब्रेक मेथड से फैक्टराइज करते हैं कि यहाँ पे देखें माइनस टू है और यहाँ पे माइनस वन है, तो ऐसे दो नंबर फाइंड करें कि मल्टीप्लाई करने से माइनस टू आए और प्लस या माइनस करने से माइनस वन आए, तो टू वन और टू। देखें माइनस टू और प्लस वन को मल्टीप्लाई करें तो इससे माइनस टू आता है और माइनस टू प्लस वन को ऐड करें तो इससे माइनस वन आता है, तो हम क्या करते हैं इसको यहीं पे फैक्टराइज कर लेते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस वन एक्स की जगह अब हम माइनस टू एक्स और प्लस वन एक्स लिख लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू, इन दोनों में एक्स कामन तो एक्स माइनस टू, यहाँ पे कुछ कामन नहीं तो हम वन कामन ले लेते एक्स माइनस टू, अब एक्स माइनस टू दोनों जगह पे है तो ये कामन एक्स प्लस वन, ये जो हमारे पास पॉलीनोमियल है, अब इसमें ये एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस टू की जगह मैं इसके फैक्टर लिखूँगा थ्री एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस वन। अब हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और ये इसी के इक्वल है। अब वही तरीका कि 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू, एक डिनोमिनेटर x माइनस 2 है इसके साथ प्लस लिखें और फिर यहाँ पे है x प्लस 1, इसके ऊपर a लिखें इसके ऊपर b लिखें, ये इक्वेशन वन। इससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर तरतीब बदल जाए x प्लस वन यहाँ पर हो जाए और x माइनस टू यहाँ पर हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा x माइनस टू और x प्लस वन। ऊपर क्या लिखेंगे तो मैंने आपको मेथड बताया है कि ये x के नीचे जो कुछ लिखा है ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है, सिर्फ x प्लस वन को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे x प्लस वन है, यहाँ पे भी x प्लस वन है, ये नहीं लिखेंगे, ये x माइनस टू बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इस पूरी इक्वेशन को इस साइड पे ये लिखा हुआ है, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस टू और x प्लस वन से ताकि डिनोमिनेटर से ये ख़त्म हो जाए, मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन, तो इस साइड को भी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ थ्री एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू एक्स प्लस
वन इज इक्वल टू, ये साइड भी मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन के साथ, ए इंटू एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन। एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू के साथ कैंसिल, एक्स प्लस वन के साथ कैंसिल, एक्स माइनस टू के साथ कैंसिल, एक्स प्लस वन के साथ कैंसिल, रह जाएगा थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू, यहाँ रह जाएगा ए एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स माइनस टू, इसको आप इक्वेशन नंबर टू कहेंगे। अब वही तरीका है कि आपने इस एक्स माइनस टू को ज़ीरो के इक्वल लेना है, यानी पुट एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू टू, ये टू इस तरफ आएगा तो माइनस टू से प्लस टू इन इक्वेशन टू। अब आपने यहाँ पे एक्स की जगह टू पुट करना है, थ्री एक्स की जगह टू प्लस टू इज इक्वल टू ए एक्स की जगह टू प्लस वन प्लस बी एक्स की जगह टू टू माइनस टू, थ्री टू आर सिक्स प्लस टू इज इक्वल टू ए टू प्लस वन थ्री, टू माइनस टू ज़ीरो, सिक्स प्लस टू एट इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई ए थ्री ए, तो ए की वैल्यू किसकी इक्वल होगी एट बाय थ्री और ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ए हमें फाइंड हो गया एट बाय थ्री। अब इसको ज़ीरो के इक्वल लेंगे, पुट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन टू, थ्री एक्स की जगह माइनस वन पुट करेंगे प्लस टू इज इक्वल टू ए एक्स की जगह माइनस वन प्लस वन प्लस बी एक्स माइनस वन एंड माइनस टू, थ्री मल्टीप्लाई माइनस वन माइनस थ्री प्लस टू इज इक्वल टू माइनस वन प्लस वन ज़ीरो, ए और ये साथ ज़ीरो, प्लस माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और साथ बी, माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन इज इक्वल टू ये तो ज़ीरो हो जाएगा, माइनस थ्री बी, बी किसके इक्वल होगा माइनस वन, माइनस थ्री को इस साइड पे ले आए तो डिवाइड, ये कैंसिल, तो बी हमारे पास आ गया वन बाय थ्री। ए और बी दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई, अब आप इसमें पुट कर सकते हैं, पुट ए इज इक्वल टू एट बाय थ्री एंड बी इज इक्वल टू वन बाय थ्री इन इक्वेशन वन, तो थ्री एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, ए की जगह हम लिखेंगे एट बाय थ्री, तो एट बाय थ्री, ये जब आप बाय में लिखेंगे तो ये थ्री कहाँ पे आएगा, ये असल में एक्स माइनस टू के साथ आ जाएगा, ये बात याद रखें, प्लस बी हमारे पास है वन बाय थ्री, देखें बी की जगह आप वन लिखेंगे और वन बाय थ्री, तो थ्री यहाँ पे आता है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा वन बाय थ्री और है एक्स प्लस वन, और इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं क्योंकि असल में वैल्यू तो ये थी, तो लिख लें थ्री एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एट बाय थ्री इंटू एक्स माइनस टू प्लस वन बाय थ्री एक्स प्लस वन। अच्छा, आप इस पे कंफ्यूज ना हो कि आपकी बुक में यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो वन बाय थ्री है और बी की वैल्यू एट बाय थ्री है, वो इसलिए हुआ है कि हमने एक्स माइनस टू के ऊपर ए लिखा है, बुक वालों ने एक्स प्लस वन के ऊपर ए लिखा है, उन्होंने एक्स प्लस वन को पहले लिया है और एक्स माइनस टू को बाद में लिया है, लेकिन इससे
0.000 में भी कहीं फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ए और बी तो वेरिएबल्स हैं, चाहे मैं इसके ऊपर लिखूं चाहे इसके ऊपर लिखूं। अब हमारे पास केस टू है, व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। अगले केस में ये जो डिनोमिनेटर है इसमें जो फैक्टर्स हैं वो रिपीटेड है। रिपीटेड का मतलब है कि एक्स प्लस वन स्क्वायर का मतलब है कि एक्स प्लस वन टू टाइम्स है। तो इस किस्म के पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह सॉल्व होंगे, उसका तरीका ये है कि आप देखें यहाँ पे लिखें एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहले एक्स प्लस वन लिखें, इसके ऊपर ये स्क्वायर मत लिखें, अगले स्टेप में आप x प्लस वन स्क्वायर लिखेंगे। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो पहले आप पहले फ्रैक्शन में x प्लस वन लिखते, दूसरे में x प्लस वन स्क्वायर लिखते और तीसरे में x प्लस वन क्यूब लिखते। अब इसके ऊपर a आएगा और इस दूसरे के ऊपर आप b लिख लें, ये आपके पास इक्वेशन वन हो जाएगी। x डिवाइडेड बाय x प्लस वन होल स्क्वायर। अब हम एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस वन स्क्वायर इसका एलसीएम होगा। ये याद रखें कि जब एक जैसे फैक्टर हो तो बड़े पावर वाला इसका एलसीएम होता है। अब हम ऊपर यहाँ क्या लिखेंगे, तो एक्स प्लस वन यहाँ पे है और यहाँ पे एक्स प्लस वन स्क्वायर है। असल में यहाँ पे हम एक्स प्लस वन स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो x प्लस वन और x प्लस वन स्क्वायर में एक x प्लस वन और x प्लस वन कैंसिल हो जाता है, सिर्फ एक x प्लस वन रह जाता है, उसको इस a के साथ आप मल्टीप्लाई कर लेंगे या लिख लेंगे। अब यहाँ पे x प्लस वन स्क्वायर है, यहाँ पे भी x प्लस वन स्क्वायर है। जब ये x प्लस वन स्क्वायर यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तमाम कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, b। तो हम इस तरह ये प्रोसेस करते नहीं हैं, बस हम आसानी के साथ ये देख लेते हैं कि यहाँ पे x प्लस वन है और यहाँ पे x प्लस वन स्क्वायर है। तो एक x प्लस वन इसके एक x प्लस वन के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक x प्लस वन रह जाएगा, उसको आप a के साथ ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पे x प्लस वन स्क्वायर है, यहाँ पे भी x प्लस वन स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर b रह जाएगा, ये यहाँ पे लिख लें। अब डिनोमिनेटर से इस x प्लस वन को, इस x प्लस वन स्क्वायर को ख़त्म करना है तो मल्टीप्लाई बाय x प्लस वन स्क्वायर। तो यहाँ पे भी x प्लस वन स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x डिवाइडेड बाय x प्लस वन स्क्वायर इज इक्वल टू इस तमाम वैल्यूज के साथ भी x प्लस वन स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स प्लस वन प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन स्क्वायर। एक्स प्लस वन स्क्वायर, एक्स प्लस वन स्क्वायर कैंसिल, एक्स प्लस वन स्क्वायर, एक्स प्लस वन स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे रह जाएगा एक्स, ये आपस में यहाँ पे रह जाएगा ए एक्स प्लस वन प्लस बी, ये इक्वेशन टू। ये जो रिपीटेड फैक्टर्स होते हैं इसमें इस इक्वेशन के साथ साथ एक और इक्वेशन भी बनाते हैं, वो इस तरह के एक्स इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा ए एक्स, इस ए को वन के साथ मल्टीप्लाई करें तो ए और यहाँ पे रह जाएगा बी, ये इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इस एक्स प्लस वन को इसमें पुट करना है, यानी इस तरीके से कि पुटिंग x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो और x इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन टू। इस x प्लस वन को ज़ीरो के इक्वल लेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस वन फाइंड हो जाएगा, यहाँ पे पुट करें x की जगह माइनस वन, a x की जगह माइनस वन प्लस बी माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन प्लस वन ज़ीरो प्लस बी माइनस वन इज इक्वल टू ये ज़ीरो और यहाँ पे बी, तो बी हमें फाइंड हो गया कि माइनस वन।
अब दूसरी वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, मसला ये है, क्योंकि अगर हम इसी को दोबारा पुट करें कि पुटिंग एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट लेंगे, ये कैंसल, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, ये तो फिर यही वैल्यू आ गई है। तो हम दूसरी वैल्यू को जब ये रिपीटेड फैक्टर्स होते हैं तो इस तरह पुटिंग से फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ पे जो हमने ये तीसरी इक्वेशन सॉल्व की है, इसको अगर आप देखें तो इस साइड पे हम किसी कोफिशिएंट को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखें एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यानी इसके साथ क्या है, वन है, कुछ ना लिखा हो। तो हम कंपेयर करते हैं किसी वेरिएबल के कोफिशिएंट को, हम कहेंगे कि कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन इक्वेशन थ्री। तो देखें यहां पे बीच में इक्वल है, यानी ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, तो एक्स के साथ यहां पे ए है और यहां पे एक्स के साथ क्या होना चाहिए कि ये इक्वल हो, तो एक्स के साथ वन, अगर यहां पे एक्स के साथ ए है तो यहां पे एक्स के साथ वन है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे ये जो वन है ये असल में ए की वैल्यू है। तो आप कंपेयर बोथ साइड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स की मदद से ये दूसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे देखें एक्स है, इसके साथ ए है, यहां एक्स है, इसके साथ वन है, तो जब एक्स के साथ ए है तो यहां पे भी एक्स के साथ ए होना चाहिए या एक्स के साथ वन होना चाहिए। यहाँ पे x के साथ a है और यहाँ पे x के साथ 1 है, तो ये असल में a जो है ये 1 के इक्वल है। देखिए आपको फाइंड हो गया। अब आप इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करें, पुटिंग a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 1, तो x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 प्लस बी की वैल्यू माइनस 1 है डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी फ्रैक्शन है, यानी हमने एक पार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसी को पार्शल फ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें एग्जांपल 4 में, तो x माइनस 2 दो दफ़ा रिपीट हुआ है, तो ये क्या है, ये हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, तो इसका पार्शल फ्रैक्शन हम किस तरह फाइंड करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। तो जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि जो रिपीटेड हो उसको आप अगर स्क्वायर है तो 2 टाइम लिखेंगे, अगर क्यूब है तो 3 टाइम लिखेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे x माइनस 2, अगले फ्रैक्शन में x माइनस 2 स्क्वायर के साथ लिखेंगे, और ये वाली वैल्यू अलग है x प्लस 3। इसके ऊपर a लिख लें, इसके ऊपर b लिख लें, इसके ऊपर c लिख लें, तरतीब से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप किसी भी वैल्यू को पहले लिखें दूसरे नंबर पे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इक्वेशन 1 है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में इन दोनों का एलसीएम तो x माइनस 2 होल स्क्वायर आएगा। मैंने आपसे कहा था ना कि जो बड़ी वैल्यू होगी सेम, अगर आपके पास देखें इन दोनों का बेस सेम है तो पावर बड़ा वाला लिखें, ये वाली वैल्यू क्योंकि इसमें नहीं है तो ये भी आप यहाँ पर लिख लोगे, तो ये इसका एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे x माइनस 2 है और यहाँ पे x माइनस 2 स्क्वायर है, डायरेक्ट मेथड करते हैं, तो x माइनस 2 और x माइनस 2 स्क्वायर में ये x एक x माइनस 2 इसके एक x माइनस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो x माइनस 2 है, यहाँ पे 1 है, एक x माइनस 2 रह जाएगा और एक x प्लस 3 रह जाएगा, इसको a के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, x माइनस 2 और x प्लस 3 प्लस। अब यहाँ पे आ जाए,
एक्स माइनस टू स्क्वेयर है, यहाँ पे भी एक्स माइनस टू स्क्वेयर है, ये तो कैंसिल हो जाए। ये जो एक्स प्लस थ्री रहता है ये बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, यहाँ पे एक्स प्लस थ्री है, यहाँ पे भी एक्स प्लस थ्री है, ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स माइनस टू स्क्वेयर को सी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हमने इस डिनोमिनेटर को यहां से खत्म करना है तो मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस टू होल स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस थ्री, तो लेफ्ट साइड पे भी ये वाली वैल्यू एक्स माइनस टू होल स्क्वेयर एक्स प्लस थ्री इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस टू होल स्क्वेयर और एक्स प्लस थ्री इस पूरे के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस टू होल स्क्वेयर एक्स प्लस थ्री, यहाँ पे है ए एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री प्लस बी एक्स प्लस थ्री प्लस सी एक्स माइनस टू होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू होल स्क्वेयर और एक्स प्लस थ्री, ये वाली वैल्यू। तो ये इसके साथ भी हमने एक्स माइनस टू होल स्क्वेयर एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई किया और इस तमाम वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई किया, तो ये एक्स प्लस थ्री के साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो क्या रह गया, रह गया टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू ए एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री प्लस बी एक्स प्लस थ्री प्लस सी एक्स माइनस टू स्क्वेयर, ये इक्वेशन टू। क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड फैक्टर्स हैं तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, टू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, एक्स और एक्स एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस थ्री एक्स एक्स प्लस थ्री थ्री एक्स माइनस टू और एक्स माइनस टू एक्स एंड माइनस टू मल्टीप्लाई थ्री माइनस सिक्स प्लस बी एक्स प्लस थ्री बी प्लस सी, ये ए माइनस बी होल स्क्वेयर का फार्मूला है, ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी एंड प्लस बी स्क्वेयर, टू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस सिक्स प्लस बी एक्स प्लस थ्री बी प्लस सी एक्स स्क्वेयर माइनस टू टू द फोर एक्स प्लस टू स्क्वेयर फोर, टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स स्क्वेयर ए एक्स माइनस सिक्स ए प्लस बी एक्स प्लस थ्री बी प्लस सी एक्स स्क्वेयर माइनस फोर सी एक्स और प्लस फोर सी, टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन। अब आप ज़रा इसमें कॉमन देखें, देखें ए एक्स स्क्वेयर और सी एक्स स्क्वेयर, इसमें एक्स स्क्वेयर कॉमन है तो ए प्लस सी लिखें और एक्स स्क्वेयर इसमें से बाहर निकालें, ए एक्स बी एक्स और माइनस फोर सी एक्स, इसमें एक्स कॉमन है तो ए प्लस बी माइनस फोर सी, इन सब में एक्स कॉमन निकाल, जिसके साथ कोई एक्स नहीं है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, यानी माइनस सिक्स ए एंड प्लस प्लस थ्री बी
एन प्लस फोर सी। ये आपके पास हो गई इक्वेशन थ्री। अब इन दो इक्वेशंस की मदद से हम ए बी और सी की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ये तमाम वैल्यू कांस्टेंट है तो आप इसको इस तरह ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और शुरू में यहाँ पे प्लस लिख लें। अब आपने पहले क्या पुट करना है, पुट x माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू टू इन इक्वेशन टू में पुट करेंगे। तो देखें यहाँ पे है टू, x की जगह टू, इसके ऊपर स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू a, x की जगह टू माइनस टू इंटू टू प्लस थ्री प्लस b, x की जगह टू प्लस थ्री प्लस सी, एक्स की जगह टू माइनस टू होल स्क्वायर, टू स्क्वायर फोर एंड फोर टू आर एट प्लस वन इज इक्वल टू टू माइनस टू ज़ीरो। तो ये तमाम वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, टू माइनस टू ज़ीरो, टू प्लस थ्री फाइव प्लस टू प्लस थ्री फाइव यानी फाइव बी और प्लस सी टू माइनस टू ज़ीरो स्क्वायर। तो एट प्लस वन नाइन इज़ इक्वल टू ये तमाम वैल्यू ज़ीरो, सिर्फ रह जाएगा फाइव बी, ये भी ज़ीरो, फाइव बी प्लस सी स्क्वायर ज़ीरो, ज़ीरो स्क्वायर ज़ीरो, सी से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो। तो आपके पास यहाँ पे है नाइन इज इक्वल टू फाइव बी या b इज इक्वल टू नाइन बाई फाइव, तो b की वैल्यू फाइंड हो गई नाइन बाई फाइव। अब आप ये पुट नहीं कर सकते क्योंकि इससे तो यही x इज इक्वल टू टू आएगा। अब आप ये वाले पुट करेंगे जो स्क्वायर वाला है, इसको हम कंपैरिजन मेथड से करेंगे। तो पुट x प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री इन इक्वेशन टू, यहाँ पे पुट करेंगे तो टू x की जगह माइनस थ्री इसका स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू a, x की जगह माइनस थ्री माइनस टू इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री प्लस b माइनस थ्री प्लस थ्री प्लस c, यहाँ पे है माइनस थ्री माइनस टू और होल स्क्वायर, माइनस थ्री स्क्वायर नाइन, टू इंटू नाइन प्लस वन माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म। a माइनस थ्री माइनस टू इसे तो माइनस फाइव आता है लेकिन माइनस थ्री प्लस थ्री से ज़ीरो आता है, प्लस b माइनस थ्री प्लस थ्री से भी ज़ीरो आ जाएगा, प्लस c माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव और इसके ऊपर स्क्वायर है, नाइन टू आर एटीन प्लस वन नाइनटीन, ये वैल्यू भी तमाम ज़ीरो क्योंकि ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू भी ज़ीरो, माइनस फाइव स्क्वायर आता है ट्वेंटी फाइव और सी, तो नाइनटीन इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव सी, सी इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव को इस तरफ लें तो आ जाएगा नाइनटीन बाई ट्वेंटी फाइव। तो सी की वैल्यू हमें फाइंड हो गई वो है नाइनटीन बाई ट्वेंटी फाइव। अब आप b की वैल्यू फाइंड करेंगे। b की वैल्यू को आपने किसी इस इक्वेशन थ्री में कंपैरिजन की मदद से करेंगे आप। अब आपके पास b अननोन है तो अब इक्वेशन टू के बजाय अब हम थ्री यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखें अगर x के साथ देखें तो a प्लस बी माइनस फोर सी है, तो c भी आपको फाइंड है और a भी, तो b फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे x का कोफिशेंट क्या है, x का ये तमाम कोफिशेंट है, यहाँ पे x का कोफिशेंट क्या है क्या है, तो यहाँ पे x का कोफिशेंट है ही नहीं, तो यानी इसका कोफिशेंट है ज़ीरो, x का कोफिशेंट क्या है ज़ीरो। तो हम कहेंगे कि कंपेयर कोफिशेंट ऑफ x इन इक्वेशन थ्री, तो यहाँ पे कोफिशेंट ज़ीरो है और यहाँ पे
यहाँ पे अगर आप देखें तो x का कोफिशेंट है a प्लस बी माइनस फोर सी इज इक्वल टू, यहाँ पे कोफिशेंट कुछ भी नहीं है यानी ज़ीरो है, तो यहाँ पे आप ज़ीरो लिख लें। सिर्फ मैंने इसको यहाँ पे राइट साइड लेफ्ट साइड पे लिखा और ज़ीरो जो लेफ्ट साइड पे था उसको राइट साइड पे लिखा, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप पुटिंग द वैल्यूज ऑफ बी एंड सी, तो ए प्लस बी हमारे पास है 9/5 माइनस फोर और सी हमारे पास है 19/25, इस साइड पे ज़ीरो है। ए प्लस 9/5 माइनस 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 19 से आता है 76 और इसके नीचे है 25 इज इक्वल टू ज़ीरो। ए प्लस इन दोनों का एलसीएम लेंगे 5 और 25 के एलसीएम 25 आता है, जो बड़ी वैल्यू हो और एक ही टेबल में आती हो तो उसको बड़ी वैल्यू को आप एलसीएम लेते हैं। अब 5 को 5 का टेबल 25 तक पढ़ते हैं तो 5 5 ज़ार 25, 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 माइनस 25 1 ज़ार 25, 1 को 76 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू ज़ीरो। ए प्लस 76 में से 45 को माइनस करें तो इससे आता है 31, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ क्योंकि हमारे पास 76 के साथ माइनस है, तो माइनस 31 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब प्लस माइनस माइनस 31/25 इज इक्वल टू ज़ीरो, ए इज इक्वल टू ये वैल्यू उस साइड पे जाएगी तो माइनस से प्लस हो जाएगा 31/25। अब ए बी सी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ पे लिख लें कि पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1, तो ए की वैल्यू कितनी है 31/25, तो यहाँ पे ए हटा के क्या लिख लें 31/25 नीचे आएगा, ठीक है। देखें बाय तो ये लाइन ही बाय है और फिर नीचे 25, आपने इसको मिटाना नहीं है, आपने इसको दोबारा लिखना है। बी की वैल्यू है, बी हमारे पास था 9/5 तो 9 और 5 यहाँ पे आ जाएगा। सी हमारे पास है 19/25, तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन है। इस होल के ये तीनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। अगर आप इन तीनों का एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो इससे यही आएगा। इसके बाद वाले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे, लेकिन इन एग्जांपल्स को आप खुद करें तब आपको समझ में आएगा। एक्सरसाइज सेम टू सेम इसी तरीके से है, लेकिन अगर आपको ये एग्जांपल और डिफिनीशन समझ में आ गया है।